सिंगू बॉर्डर चलते हैं। कुमार कुंदन इस वक्त मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। कुमार, इन तमाम आरोपों के बीच में कि ये आंदोलन, ये प्रदर्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अमित शाह अपील करते हैं, कैप्टन उसे बैकअप करते हैं और कहते हैं कि तय जगह पर जाएं ताकि कम से कम बातचीत की शुरुआत हो सके, क्या लगता है 9 बजे होने वाली बैठक आगे की रणनीति को लेकर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस बात के लिए भी क्योंकि पहली बार गृह मंत्री ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है और बकायदा उन्होंने किसानों से खुली अपील की है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि संभव है कि आज की बैठक में किसान अपनी कुछ ऐसी रणनीति तय करें जिससे कि ये पता चले कि वो आगे बॉर्डर की तरफ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। क्योंकि मामला सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला दिल्ली के बॉर्डरों का भी है जो पूरी तरीके से बंद है, जिसकी वजह से आवाजाही ठप है कुछ इलाकों से, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ किसान नेताओं से भी आला अधिकारियों ने और आला लीडर्स ने बात की है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि संभव है किसान भी 2 कदम आगे चले, 2 कदम सरकार भी आगे चले और बीच का कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे कि पूरे मामले का हल हो। कल गुरु गोविंद साहब जी का जन्मदिन भी है, तो एक जेस्चर भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि किस पूरे मामले में एक जो इमोशनल जेस्चर है वो भी दिखाया जाए। और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक मीटिंग 9 बजे है, दूसरा एक 11 बजे है, दो यहाँ पे मीटिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस जगह पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ सिंधु बॉर्डर पे, और उस बैठक के बाद ही कुछ जो है आगे की रणनीति तय हो पाएगी। किसान लीडर जुटेंगे, किसान अपनी बात करेंगे और बड़े लीडर ही तय करेंगे कि हमें आगे जाना है या फिर यहीं इकट्ठे रहना है, तो ये अभी रणनीति में तय होगा उसके बाद ही। क्योंकि कुछ किसान बुराड़ी पहुंच चुके हैं अलग अलग जगह से, लेकिन कुछ अभी भी अलग अलग इलाकों में डटे हुए हैं जिसमें कि टीकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर शामिल है। हाँ, लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि अमित शाह ने जिस तरह से अपील की है उस अपील का कितना असर किसानों के ऊपर होता है। बिल्कुल, लगातार किसान ये कह रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाएं और तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में तस्वीरें हमने आपको अलग अलग बॉर्डर से दिखाई, लेकिन लोग भी परेशान हो रहे हैं। यूपी गेट, गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर भी जगह जगह से किसान इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, जरा ये बताइए आम लोगों के लिए कोई जानकारी जो ग्राउंड से आप देना चाहें आज के दिन को लेकर, क्योंकि लगातार लोग भी बॉर्डर्स पर परेशान हो रहे हैं। देखिए, उस परेशानी से निपटने के लिए पुलिस ने इंतज़ाम किए हैं, क्योंकि जो जिस जगह पे यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ये सामने से गाज़ियाबाद मोहन नगर से ये रास्ता आता है, इसके लिए पुलिस ने यहाँ पे डायवर्जन किया हुआ है। जो सामने मोहन नगर से दिल्ली की तरफ जो आना चाहता है उसके लिए वो सीधा यहाँ से आने के बाद यहाँ से लेफ्ट लेके और उसके बाद ये जो NH9 बनाया गया है, साथ ही मेरठ एक्सप्रेसवे भी इसको कहते हैं, मेरे ठीक ऊपर जो बना हुआ है, इस पर वो अपना डायवर्जन लेके जा सकता है। और साथ में इसके अलावा जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन की वजह से आम लोगों के लिए कोई परेशानी नहीं है। इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं यहाँ पर ताकि किसी तरह की कोई यातायात में बाधित किसी तरह की कोई स्थिति ना हो, क्योंकि डायवर्जन हर जगह कर दिया गया है। और खास बात यह है कि आज रविवार का भी दिन है, ऐसे में भीड़ अमूमन रविवार के दिन कम होती है, तो ट्रैफिक को लेकर कोई खास परेशानियां यहाँ पर नहीं होने वाली है। हाँ, ये जरूर बात यह है कि किसानों की जो परेशानियां हैं उसको लेकर किसान यहाँ पर बैठे हैं। अब इनका यही कहना है कि जब तक कोई आगे की रणनीति साफ नहीं हो पाती है, तब तक ये लोग यहाँ से क्लियर होगी 9 बजे होने वाली बैठक में। शुक्रिया आपका ब्रजेश, वहां से जानकारी देने के लिए। विवेक भी लगातार हमारे साथ मौजूद है, साथ ही कुमार कुंदन भी जानकारी दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर, यूपी गेट और टिकरी बॉर्डर से आप ये लाइव किसानों को सुन रहे थे क्या कहना है उनका। लेकिन देखना होगा, सरकार अब जब ये कह रही है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, क्या किसान आगे की रणनीति आज फाइनल करते हैं जब 9 बजे उनके बीच में बैठक होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।